दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, उसको मैंने स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये सोमवार के लिए, मतलब 28 अप्रैल 2019 के लिए। तो पहले प्राइस को देख लेते हैं। प्राइस को 100 के ऊपर ले लिया। उसके बाद वोलेटिलिटी को इंट्राडे में के लिए देता हूँ मोस्टली, तो वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 2 रखा है। डिलीवरी परसेंटेज कम होना चाहिए। और इसमें देखिए चेंजिंग प्राइस पॉजिटिव जो है उसको पकड़ लेते हैं। तो क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। और चेंजिंग वॉल्यूम भी पॉजिटिव लेता है। तो ये तीनों दिखाई दे रहा है। ये तीनों का लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं। ये भाई अब आप लेवल मिडिल में रहेगा। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 बाया तरफ और टारगेट 5, टारगेट 6, टारगेट 7, टारगेट 8 दाया तरफ रहेगा। और सेल साइड में भी ऐसा है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से टारगेट 8 दाहिने तरफ। और आप लोग ये इसका लेवल भी देख सकते हैं। मैंने पॉजिटिव चेंज इन प्राइस एंड वॉल्यूम देखा है। ओके, और मैंने इसका बैंक निफ्टी का लेवल भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी का, बैंक निफ्टी फ्यूचर का और ये इंडेक्स का लेवल ये आप लोग देख सकते हैं। और मेरा जो सर्विस है, तो इसमें आप लोग ये पूरा फाइल जिसमें 197 स्टॉक्स है, मतलब रेफेनो स्टॉक्स जो है, और बैंक निफ्टी निफ्टी है, कमोडिटी है, और इधर जो फ्यूचर्स है, ये पूरा आप लोग को मिल जाएगा। लाइव मार्केट में भी अपडेट मिलेगा और एंड ऑफ द डे भी मिलेगा, ठीक है। और ये इधर आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको मतलब ट्रेड करना है। मैंने जो बोला उसमें इसमें लिखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसमें से भी आप लोग मतलब व्हाट्सएप में कॉल मिलेगा आप लोग को, तो उसमें से ये मेरा स्ट्रैटेजी सोच लीजिए। एक क्रूड ऑयल दिखा रहा है अभी इसको सोच लीजिए क्या निकला था। इंडिया सेम का चार्ट देखते हैं। थोड़ा सा स्लो है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, अभी दिखा नहीं पाएगा शायद। तो कोशिश करते हैं।